राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो यहाँ ना मैं इवनिंग से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ साफ़ सफाई कर रही थी, जैसे खाना बनाने के बाद होता है ना, थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है किचन में। तो मैं यहाँ बर्तन खाली करके हटाने जा रही थी, देखा मैंने गिद्दान होता है ना, जो वो भैया यहाँ बैठा है चूल्हे के ऊपर, उसने तो दिमाग ख़राब कर रखा। तो उसे को भगाने की ना मैं कोशिश कर रही हूँ, कैसे भगाऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जहरीली होती हैं, इनसे जितना दूर रहा जाए उतना सही है। बट ये सब ना हमारी लाइफ के हिस्सा हैं, छिपकली है, ये सब घूमते ही रहते हैं। तो मेरी कोशिश जारी है इसको भगा के, तब फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे काम में। अभी ये ब्लॉग का शुरुआत ही है, तो उसे मैंने किसी तरह भगा दिया है। और आप सब ना मेरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जो सिस्टर बोल रही थी कि साधना दी, अगर आप इस बारे में थोड़ा भी नॉलेज है, आपको पता है, वैसे सबको पता होता है क्योंकि हर लेडी माँ बनती है प्रभु की कृपा से, और ये एक अच्छा एहसास है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग शायद वो सारा चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए ना एक दूसरे के साथ अपनी जो जानकारी है ना उसे शेयर करते रहना चाहिए, किसी के लिए हेल्पफुल तो हो जाए, है ना। तो बर्तन उधर मैंने रख दिया है, यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ और कोशिश ये कर रही हूँ। ब्लॉग इसलिए मैंने डाल रखा है कि आप लोग देख सको, जो लोग फैटी हैं, जो चाहते हैं कि हम पतले हों, तो काम कैसे हम करें, कितना जल्दी जल्दी करें, कौन सा काम हम खुद से करें, ना कि मशीन, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो मशीन अवेलेबल है, मुझे पता है। लेकिन जब हम खुद का काम खुद से करेंगे, मान लो कपड़े आप अपने से धुलिए, वॉशिंग मशीन से ना धुलिए, पोछा ऐसे लगाइए, खड़े हुए वाला मत लगाइए, क्योंकि सुविधाएं तो बहुत सारी हैं। अगर हम चाहें तो बिल्कुल मशीन हमें शायद खाना भी खिला दे, आजकल इतना आगे बढ़ चुका है विज्ञान, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें फिट रहना है, पतला रहना है, अपने बॉडी को फिट रखना है, तो भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, है ना। तो मेन आयो का शिकायत है कि हम जो सठौरा होता वो नहीं खा पाते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते, बच्चे के होने के बाद, अगर हम 13 के बाद माँ बनते हैं, तो क्योंकि हमें डर होता है हम मोटे ना हो जाएं। तो आप खाइएगा भी और ये सारा नियम भी फॉलो करिएगा, तो आप फिट जरूर रहोगे, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा। और मैं एक ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जैसे अपना काम करती हूँ वैसी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैंने जितना भी काम किया, आप लोग देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी मैंने किया, और सब कुछ अपने से किया है। और जब भी काम करो ना, अगर आप सच में थोड़ा सा कम्फर्टी होना चाहते हैं, तो अगर आप परेशान हैं तो ठीक है, क्योंकि मोटापा जरूरी नहीं सबको ना ही पसंद हो, बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें मतलब पतला होना है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जब भी काम करिए जल्दी जल्दी करिए, और काम करने के बाद तुरंत फैन में मत जाइए। देखिए मैंने कपड़े भी धुल लिए, बर्तन भी धुल लिया, मतलब जितना काम कर रहे हो ना, भागा दौड़ी से कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब इधर पानी भी भर लूँगी। तो आप जब काम जल्दी जल्दी करोगे, और जब पसीना आए ना, तो आप फैन के पास मत जाइए, काम करिए, उसके बाद बैठ जाइए, पसीना खूब आने दीजिए। जो पसीना निकलेगा ना, वही आपके शरीर का जो वसा होता है ज़्यादा मोटापा, वो निकालता है। कोई कोई होता है एक दो काम करके फिर जाता है फैन कूलर में बैठ जाए, थोड़ा सा एसी में बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए, तो पसीना आपका तो सूख गया, तो फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी से पसीना निकलना ही ज़रूरी है गर्मी के मौसम में, है ना। देखिए मैंने पानी भी भर दिया, इधर मैं गेहूँ फटक कर साफ करूँगी। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों के घर में सारी सुविधाएं होंगी, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम चलें गेहूं फटक के साफ करें। हम आटा खरीद सकते हैं, हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल सकते हैं, हम पोछा खड़े होकर लगा सकते हैं, मानती हूँ। लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हो, तो कुछ मेहनत करो, उन्हें इग्नोर करो, उन सब चीज़ों को रखा रहने दो, आप खुद से काम करो। बैठ के पोछा लगाओगे तो आपकी कमर पतली होगी, आपकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो नियम मैंने फॉलो किए हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं गेहूँ फटक के साफ कर रही हूँ, आप सबसे बातें भी करती रहूँ जिस टॉपिक पे मैं आज आई हूँ। साइज कम करिए, मैं नहीं कहती एक्सरसाइज आप दिन भर करिए, क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है ना, हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्सरसाइज करें। लेकिन बच्चे के साथ जब आप एकदम से लगे रहेंगे, तुरंत तो बच्चा होने के बाद काम हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप तुरंत दिन भर आराम ना करिए, खाने के बाद थोड़ा धीरे धीरे टहलिए, ये सब काम करिए, छोटे मोटे काम में बैठ जाइए, लगे रहिए, खाना खा के तुरंत बैठिए ना, पानी पीते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, तो फैटी नहीं हो पाओगे,
सच में। और वो जो ताकत वाली चीजें होती है ना, उसे भी आप खाते जाओ, क्योंकि आप ना अंदर से कमजोर हो जाओगे। भले आप कितने मोटे दिख रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छी चीजें खाओगे नहीं बच्चा होने के बाद, तो आप कमजोर हो जाओगे, फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम आपको होगी। यहाँ मैं आटा वो सारा काम करके दूध चलाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बनाना है बर्फी बच्चों के लिए। और यहाँ सासू माँ मेरी आई थी थोड़ा सा मिर्ची का अचार लेके, तो उनसे मैं बात करने लगी थी, तो सारी बातें भी आप लोगों से कर रही हूँ। बर्फी इसलिए बना रही हूँ, काफ़ी दिन से मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी बना दो, क्योंकि देखो खरीद के जब हम दूध लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इतना नहीं होता है कि चलिए उसमें हम चला के मिठाई बनाए, पेड़े बनाए, खाने पीने के लिए ही 1 केजी दूध बहुत होता, मतलब कम पड़ जाता है ना। तो फिर भी आज 2 दिन का मैंने बचा लिया था, तो बना के बच्चों को दूंगी, तो इसी में लगी हूँ। देखिए मेरा पूरा काम फिनिश हो गया पीछे का, और सच में अगर मैं पूरी टाइमिंग आपको बताऊँ तो जितना काम मैंने किया है 1 घंटे में पूरा काम मेरा कम्प्लीट हो गया। गेहूँ से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन पानी सारा काम 1 घंटे से पहले ही हो गया है। देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। ठीक है फ्रेंड, जो मैं बता रहे ना उसे आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। जब आपका बच्चा ना 6 मंथ या 7 मंथ का हो जाए, उसके बाद ना आप काम करिए घर के, अपने खूब काम करिए। तो मैंने थाली में डाल दी है, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय नहीं पी हूँ, चाय के बिना ना हालत खस्ता है। चाय भी बन गई, चाय मैंने पी लिया, बर्फी भी बन गई। अब थोड़ा सा करूँगी मैं कसरत। कसरत क्या, थोड़ा सा लटकती हूँ, जिससे बॉडी की ना जितनी हमारी हड्डियाँ हैं, नसें हैं, एकदम सीधी रहें और थोड़ा फैट कम हो। चलिए, तो अब बिल्कुल अंदर से मैं फ्री हो गई हूँ। अब मेरा खुद के लिए टाइम है, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ लटका करती हूँ, इसलिए मैंने इसको बांध रखा हल्का सा, एकदम से पूरा भार मैं उस पर नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन हल्का सा, जिससे नसें ना और हड्डियाँ थोड़ी सी सीधी रहें। इससे क्या होता है ना, हमारे पैरों में, घुटनों में, हाथों में दर्द जल्दी नहीं होता है। और फिर मैं जब चल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो वॉक करती हैं, मतलब चलती हैं, जो भागती हैं, दौड़ती हैं, तो जब वो जो बैठी होती एकदम धीरे 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 चलती हैं। तो आप जब ऐसे कसरत करें, मतलब रनिंग करें, दौड़ें, चलें, कुछ भी करें, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी करें। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब, पसीना आपकी बॉडी से आना चाहिए, ठंडी के मौसम में भी पसीना आना चाहिए। आप इतना तेज़ चलिए, देखिए मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, अपने घर में ही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यहाँ मैंने वीडियो फास्ट नहीं करी है बिल्कुल, जितना मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम से जल्दी जल्दी जा रही हूँ, आ रही हूँ। तो इवनिंग के टाइम में ना थोड़ा सा मैं चलती हूँ, सुबह जब उठती हूँ तब चलती हूँ ऐसे ही, और फिर उसके बाद बैठ के पूरा पसीना यहीं सोख जाएगा निकल के, उसके बाद फिर मैं फैन के पास जाऊंगी। ये कुछ मेरे नियम है, आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए फिर ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा, आई होप आप सबको मेरी बातें हेल्पफुल लगी होंगी। जो भी बात मैंने बताई है, खुद पे मैंने देखा है, उनके नियम मैंने देखा है, वो जो फॉलो करती थी उनको मैंने अच्छे से समझा है। क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम खुद से ही करके देखें, खुद के लिए ही करके देखें, हम दूसरों से भी सीख सकते हैं, अगर हम सीखने की आदत हमारी है तो, हैबिट्स है तो। और मेरी तो आदत ही है, अच्छी चीज़ें मैं तुरंत ही सीख लेती हूँ और उसे अपने मन में बिठा लेती हूँ। और ध्यान में रखती हूँ कि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी जब मुझे इस ज्ञान की ज़रूरत होगी, तो मैं खुद के लिए भी यूज करूंगी और दूसरों के साथ भी शेयर करूंगी, उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी। चलिए फिर, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आते रहें। बाय बाय।